नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसके बारे में आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये न्यूज़ आप सब लोगों ने सुनी होगी, हिंदुस्तान बैंक की टू प्रोव अ ग्लिच दैट आउट गिवन 84,000 लोन। भैया कोई विसल ब्लोअर जो उन्होंने भाई एलिगेशन लगाए इनके ऊपर कि भाई बैंक बिना मांगे लोन बांट दे रहा है, ठीक है। तो अब फिर जाँच पड़ताल हुई तो हिंदुस्तान बैंक ने एक बड़ा लीचड़ सा जवाब दिया कि भाई टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमने लोन दे दिए गए। बल्कि असल में सच्चाई क्या है जो सब पूरी दुनिया जानती है, असल में सच्चाई क्या है ये पूरी दुनिया जानती है। इसे कहते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन, एक चीज़ होती है ये आप पढ़ रहे होंगे आप, ये एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन अकाउंट्स। मतलब छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, मैंने ही 5 लाख रुपये बैंक से लिए, ठीक है, और एक उसका टाइम पीरियड होता है कि भाई मैं 90 डेज तक वो 5 लाख रुपए में से अपनी ईएमआई नहीं पे कर रहा हूँ, या 120 डेज तक उस लोन की जो मेरी पर मंथ ईएमआई बनती है वो नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो वो 5 लाख रुपीस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन जाते हैं, ठीक है। अभी इन बैंकों के ऊपर तो प्रेशर बहुत होता है भाई कि तुम अपने भाई ग्रॉस एनपीए घटाओ, अपने नेट एनपीए घटाओ, अपनी लोन ग्रोथ को बढ़ाओ, अपनी क्या कहते हैं सेविंग्स ज़्यादा दिखाओ। इनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। रिज़ल्ट डिक्लेयर करने से पहले, जिस दिन रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं उसके 2 दिन 48 घंटे लगातार लोग बैठे रहते हैं अपनी उस बैलेंस शीट को ठीक ठाक करने के लिए। आप कभी देखेगा, ठीक है, IDFC बैंक ने जब सेप्टेम्बर क्वार्टर थे जब उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया था, 12 घंटे तक ये लोग बैठे रहे। और बंधन बैंक का भी सबको पता ही है क्या हाल, मतलब छुपाने को एक्सिस बैंक क्यों नीचे गिरा इतने अच्छे रिजल्ट के बाद। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ हिंदुस्तान बैंक में है? और ये तो बहुत छोटी चीज़ है दोस्तों, बहुत छोटी चीज़ है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, मैं सिंपल सा मैंने आपको 5 लाख का एक एग्जांपल दिया, जो MSME सेक्टर होता है, माइक्रो स्मॉल जिसको हम माइक्रो फाइनेंस में गिनती करते हैं, मतलब जैसे जो 15 करोड़ 10 करोड़ लोन लेके जो अपना धंधा डालता है बंदा शहर के अंदर, ठीक है, वो उसके पास जो एम्प्लॉई, वो अपना खुद का घर नहीं चला पाया कोविड के बाद, वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या पैसे देता। तो ऐसे जो MSME सेक्टर की हालत है इंडिया के अंदर पिछले 10 साल में सबसे ख़राब है। तो इन लोगों को जो लोन दिए गए हैं भैया, वो बैंकों को भी पता है वापस नहीं आए हैं, ना ही आने वाले हैं बहुत जल्दी। और ये जो न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ से हफ्ता या 10 दिन पहले इनके कोई बड़े ऑफिसर थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ही हैज़ रिज़ाइन, उसके हफ्ते 10 दिन बाद ये न्यूज़ आई। तो अच्छा कोइंसिडेंस है भाई, बढ़िया कोइंसिडेंट है। तो हम क्या डिस्कशन कर रहे थे भैया, क्या ये सिर्फ हिंदुस्तान बैंक में? नहीं दोस्तों, ये सारे बैंकिंग सिस्टम में है, हर बैंक की ये प्रॉब्लम है। अगर आप बैंकिंग का फंडामेंटल जानना अपने किसी दोस्त से पूछिए जो कम से कम एटलीस्ट ब्रांच मैनेजर हो, अपने कोई रिश्तेदार हो, और उससे सांप को सच बताने का बात पूछिए, कितना प्रेशर होता है इनके ऊपर दिखाने का, ठीक है, कितना प्रेशर इनके ऊपर क्रिएट किया जाता है कि भैया लोन का ये, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो। मतलब नेट NPA ना बढ़े और बैलेंस शीट अच्छी दिखे आपकी, उसके लिए ये साले और लोन बांट देते हैं कि भैया कम से कम इतना पे कर दे कि जो तेरे 5 लाख रुपये हैं कम से कम वो नेट NPA पे ना आए, और वो पैसा भी इसको लोन दे के उससे उतनी EMI ले ली जाती है कि वो 5 लाख रुपये NPA में नहीं आते। उसके बावजूद भी बैंकों के NPA हिंदुस्तान बैंक के बढ़े हुए हैं। हिंदुस्तान बैंक ने लोन बड़ी कंपनीज को किसको दे रखा है आपको पता है? रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, CG पावर, ऐसी ऐसी कंपनीज को तो इन्होंने लोन दे रखे हैं। कहाँ से पैसे आएंगे? वो बैंक करप्ट हो गया नहीं लंबा नहीं। ADAG ग्रुप एक टाइम पर नाम सुनने में मिलता था और ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स होते थे। तो भैया बहुत बुरी हालत है मेरे हिसाब से। अब आते हैं इसी का Part 2 रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो फिर इस बैंकिंग के स्टॉक ऊपर जाते क्यों हैं, बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ता क्यों है? दोस्तों बाजार इस वक्त 2021 में जो बुलिशनेस रही है, ठीक है, वो 2021 विल बी रिमेंबर फॉर दी रिटर्न्स इन स्टॉक, कि आया गया कमा गया। एक एक मंथ में स्टॉक डबल ट्रिपल हुए, मेरे को नहीं लगता मैं अपनी लाइफ में कभी देख पाऊंगा, ना मैंने अपनी पीछे कभी ज़िंदगी में देखा। मैं 2012-13 से स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर रहा हूं, और 2008 का क्रैश भी उम्र उतनी नहीं थी बट मैंने अपनी आँखों से देखा है उसको, आई हैव सीन माई फादर एट दैट टाइम। तो 2021 का जो स्टॉक है, स्टॉक मार्केट जो है,
मतलब महीने के अंदर स्टॉक डबल ट्रिपल। तो जिसने पैसा डाला उसका पैसा बना। तो भैया स्टॉक मार्केट कोई लूडो नहीं है, ठीक है, लूडो में भी हार जाते हैं, स्टॉक मार्केट कोई लूडो नहीं है। यहाँ पे जिन लोगों का पैसा बना है उन लोगों से पैसा निकालेगा भी ये मार्केट, ये मार्केट उन लोगों से पैसा निकालेगा भी। एक तरीके से मान लो किसी ने 50,000 रुपये लगाए 2020, बहुत अकाउंट खुले दोस्तों, करोड़ों अकाउंट खुले, आपको भी पता होगा बंदों के पैसे बने। उसने बताया, कहता भैया कहीं पैसा नहीं बन रहा, पैसा बन रहा कहाँ पे, स्टॉक मार्केट में। लोगों ने और पैसे लगाए और पैसे बने। अब आज की डेट में जो लोग असेट्स मानते थे किसको, कि भैया एक फ्लैट हो जहाँ से रेंट आए, किसको मान, प्लॉट हो अपना, कोई शॉप हो, अरे यार वहाँ तो पैसा बनता नहीं, पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, डबल हो जाता है सीधा। लोग और इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, आप अपने आसपास देखो दोस्तों, मैं गुड़गांव में हूँ, प्राइवेट सेक्टर में हूँ, आप देखो ना, आप स्टॉक मार्केट को अपने आसपास के लोगों से रिलेट करो ना। लोग जो स्टॉक मार्केट की ABCD भी नहीं जानते हैं, XYZ तक, और फिर छोटी वाली ABCD निक्की वाली वो भी नहीं पता है, पैसा लगा के बैठा हुआ आज की डेट में कि भैया यहाँ पैसा बनता है, तो क्या इतना आसान है स्टॉक मार्केट? इतना आसान नहीं है। तो बैंकिंग स्टॉक भी भागे हैं, बिना सर पैर के भागे हैं, कंडीशन ऐसी नहीं है। तो वही है, फंडामेंटल को कब मैच करेगा, हो सकता है भैया शुरू हो गया हो सकता है भैया 2022 में शुरू करे इस चीज़ को, हो सकता है भैया 20,000 का स्तर छूना चाह रहा हो, वहाँ से फिर ऐसा किसी। तो लोग इतना पैसा लगा के बैठ चुके हैं, जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया भी है वो लोग और पैसा लगा के बैठ चुके हैं। तो ये मार्केट ऐसी हालात पे ला के छोड़ेगा, अगले 2-3 साल उतना पैसा नहीं बनेगा जितना 2021 में बन गया है। और जितनी भी टटपूंजिया टाइप कंपनी थी जो डबल हो गई ट्रिपल हो गई, भैया उनमें गिरावट चालू हो जाएगी, जो मैं साइकोलॉजी रीड कर पा रहा हूँ मार्केट की। देखो अपने को ज़्यादा लालच है नहीं, सेप्टेम्बर मिड में ही 17,250-17,500 के बीच में एज़ पर टेक्निकल मैं अपना 80% सब कुछ बाई कर चुका हूँ। सीधा सा एक रीज़न है, उम्मीद से ज़्यादा मिला, उम्मीद से कम टाइम में मिला। अब जाता है 20,000 जाता रहे, जो छोटी मोटी बाइंग करता रहता हूँ आपको बताता रहता हूँ। तो स्टॉक मार्केट लुभावना होके सबको घुसा चुका है, लोग उसमें बैठ चुके हैं, बड़े प्लेयर धीरे जैसे जैसे करके अपना ऊपर नीचे करके खाली होते जाएंगे और एक दिन नीचे आना है, ठीक है। किसी के मन में मेरा मंदी घुसाने का रीज़न है नहीं, रियलिटी ये है कि बैंकिंग सिस्टम की सच में हालत ख़राब है, और बैंकिंग सिस्टम रीढ़ की हड्डी होता है हर एक कंट्री की इकोनॉमी की। तो ये सिर्फ इंदुसिंध बैंक की प्रॉब्लम नहीं है, सारे बैंकिंग सिस्टम में ऐसा ही है। बैंक लोन चुकाने के लिए लोन देते हैं, ठीक है, तो समझिए, थोड़ा सतर्क रहिए। जो गिरावट इंदुसिंध बैंक और HDFC बैंक सब की तरफ नीचे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, देखो बुरा मान जाते हैं कुछ लोग, अगर किसी का पोर्टफोलियो का स्टॉक है ना, उसको बोलो कि भैया ये ऐसे, तो बुरा मान जाते हैं। अरे भैया मुझे क्या दुश्मनी है तुमसे, जो मैं तेरा पकड़ा हुआ स्टॉक नीचे की तो ख़राब बता रहा हूँ उसको, बट फिलहाल प्रॉफिट बुक कर लो अगर बन रहा है तो, यार नुकसान तो बुक नहीं कर रहे हो ना, ठीक है। अब मैं दो लोगों का बताता हूँ, उन लोगों ने, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों, मेरी कंपनी के ही हैं, मतलब 2-2, 3-3 लाख रुपए लगाए पिछले साल से और उनके 8-8, 9-9 लाख रुपए हो गए। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग, मतलब मैं छोटा सा एक बार कि भैया थोड़ा बुक कर लो, कहता नहीं यार ऐसा पैसा तो आज तक बना ही नहीं और बनेगा, उन्होंने और 3-4 लाख रुपए लगा दिए पिछले 2-3 महीनों में। अब मिड कैप इंडेक्स का आप थोड़ा चार्ट निकाल के देखो, वो वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, इन्फोएज 9,000 के ऊपर जाके दोबारा 7,000 की रेंज में आ गया, वो इन्फोएज कह रहा हूँ, इंडिया मार्ट, इन्फोएज 7,000 के दोबारा 6,000 के आसपास आ गया, ठीक है। तो अब ना उनसे निकाले बनता बन रहा है, और जो प्रॉफिट बना था उसको भी लॉस में कन्वर्ट करके बैठ गए। भैया ऊपर चला जाए तो दोबारा आ जाएंगे बराबर, पर थोड़ा समझिए, अब पैसा लगाने वाला मार्केट है नहीं। क्वालिटी कंपनी को ज़रूर पकड़िए, फ्यूचर ग्रोथ को ज़रूर देखिए, पर उस चीज़ की अब इच्छा ना रखिए, उम्मीद मत रखिए कि डबल ट्रिपल हो जाएगा, जो कि हुआ है इस साल, ऐसा साल पीछे तो इतिहास में आज तक आया नहीं और शायद आगे भी ना देखने को मिले। चलिए, थैंक यू वेरी मच।